नए संसद भवन के उद्घाटन के पूर्व देश की विपक्षी पार्टियों द्वारा किए जाने वाले बहिष्कार को लेकर छत्तीसगढ़ भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता के एस चौहान ने विपक्षी पार्टियों पर करारा वार करते हुए कहा कि संसद भवन भारतीय जनता पार्टी का नहीं है, किसी दल विशेष का संसद भवन नहीं है, यह जनता का संसद भवन है, ये हमारे देश का संसद भवन है। संसद भवन लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति तीनों के संयुक्त तत्वाधान पर चलता है। संसद भवन का विरोध ये आज से नहीं कर रहे हैं, ये बहुत पहले से कर रहे हैं। जो नया बन रहा है इसमें इन्होंने कोविड के नाम पे विरोध किया, पैसों के नाम पे विरोध किया, एनवायरमेंट के नाम पे विरोध किया, हेरिटेज के नाम पे विरोध किया, और तो आप उसके बाद शेर की आंख ठीक नहीं है उसके ऊपर विरोध किया, दांत के ऊपर विरोध किया, उनके शेर का एक्सप्रेशन अच्छे नहीं है, भाव अच्छे नहीं है, उसके ऊपर विरोध किया, और आज राष्ट्रपति जी क्यों इनॉग्रेशन नहीं कर रही है इसके ऊपर विरोध किया। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि आपको ये दुखती रग आपकी ये नहीं है कि राष्ट्रपति जी का आप सम्मान करना चाहते हैं। अगर सम्मान करना चाहते तो उनके पक्ष में आपने वोट क्यों नहीं डाला जब राष्ट्रपति चुनाव हो रहा था, तो और यशवंत सिन्हा जी के पक्ष में क्यों डाल दिया? आपके राष्ट्रीय नेता अधीर रंजन चौधरी राष्ट्रपति जी को राष्ट्रपत्नी के नाम से संबोधित करते हैं, तब आपका आपकी उनकी प्रति संवेदनशीलता कहाँ जाती है? एक्चुअल पेट में दर्द आपके ये है कि इससे इससे प्रधानमंत्री श्री मोदी जी का नाम ना हो जाए, इससे विपक्ष को, इससे हमारे विपक्ष को फायदा ना हो जाए, हमारे भारतीय जनता पार्टी को फायदा ना हो जाए। तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी का संसद भवन नहीं है या किसी दल विशेष का संसद भवन नहीं है, ये जनता का संसद भवन है, ये हमारे देश का संसद भवन है। तो यहां पर ये जो प्रधानमंत्री जी जो हैं वो किसी पार्टी विशेष से पहले अब देश के प्रधानमंत्री हैं, और वहां पर सिर्फ किसी दल विशेष के नेता नहीं बैठेंगे, बल्कि जो जनता से, पूरी भारत की जो जनता से चुने हुए नेता हैं वो बैठेंगे और वहां पर निर्णय लेंगे और जनता के प्रति काम करेंगे। और आज सुप्रीम कोर्ट ने भी ये स्पष्ट कर दिया है कि धारा 79 आर्टिकल 79 में ये कहां लिखा हुआ है कि इसका जो अगर कोई इमारत बनेगी तो वहां पर जो लोकार्पण होगा वो राष्ट्रपति जी के द्वारा कर दिया जाएगा, ये कहीं नहीं लिखा है। विधान, संसद भवन, लोकसभा, राज्यसभा और राष्ट्रपति जी तीनों के संयुक्त तत्वाधान पे चलता है, लेकिन ये कहीं नहीं लिखा हुआ है और इस पे कड़ा रुख अपनाते हुए सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई है कि क्यों ना आपके ऊपर पेनाल्टी लगाई जाए, याचक कर्ता के ऊपर।